नहीं नहीं बोटिंग के लिए नहीं है भैया, थैंक यू। कभी आएंगे तो ज़रूर आएंगे, ऐसे दोस्तों के साथ चिल मरना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी का समय हो रहा है करीब 3:20 हो रहा है, और तो अभी हम लोग निकले एक इवनिंग राइड में, और हमारे साथ आज 3 बीस्ट है, सी आर आर 310 और एक मेरी R15 V3, और तीसरा जो हमारे साथ बाइक है वो है अपनी ड्रैकुला जो है तौसीफ भाई की KTM RC 200। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से, हम लोग का फ्यूल अप करवाना हो चुका है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। देखो भाई साउंड क्या ही साउंड है RR की। और गाइस अभी कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं है, बस अभी राइड में निकले, इवनिंग राइड में, तो देखते हैं अभी कहाँ तक जाते हैं। तौसीफ भाई ने कॉल किया था कि चलो निकलते हैं, छोटा सा राइड करके आते हैं, अब देखते हैं ये छोटा सा राइड होता है या फिर बड़ा सा। और भाई देखो RR 300 आ रही है। ओ भाई, और तौसीफ भाई भी निकल रहे साइड से, देख सकते हो। और भाई क्या बताए, दोनों बाइक इतना ज़्यादा लाउड है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाउड है RR 310। और भाई RR 310 अलग ही पावर है उस बाइक का। भाई दोनों का एग्जॉस्ट इतना ज़्यादा लाउड है ना, पता नहीं मेरा आप लोग को वॉइस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों का साउंड मिला कर समझ रहे हो भाई। इसमें भी एक्रोपोबिक, उसमें भी एक्रोपोबिक, एकदम भाई रोड पूरा हिला के रखा हुआ है भाई दोनों ने। हेड टू हेड मुकाबला। भाई क्या ही लीन कर रही है भाई। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निरसा, और मार्केट निरसा के यहीं से स्टार्ट होता है। और पब्लिक रिएक्शन और राइड का मजा लेते हुए हम लोग। और इधर डाइवर्सन है तो इधर स्लो चलते थोड़ा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मायथान पहुंच चुके हैं, और अभी डिसाइड करते हैं कि इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि इधर का भी सीन अच्छा है और इधर का भी सीन अच्छा है। तो पहले तो भाई लोग आने देते हैं, फिर देखते हैं किधर जाने का प्लान है। किधर जाओगे, इधर किधर? और इधर का नज़ारा देखो गाइस, कितना ही प्यारा नज़ारा है। और साथ में ये 3 बाइक्स, मतलब 3 बीस्ट
तो और ही मज़ा आता है रोड का। इधर आते ही ऐसा फील हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि अभी गर्मी का मौसम है, एकदम मस्त ठंडा वाला हवा चल रहा है। हेलमेट के अंदर भी हल्का हल्का हमको ठंडा हवा महसूस हो रहा है। पेंट वेंट भी इस बार हुआ, पहले पेंट नहीं हुआ था। मैं पिछला वाला आया था तो गाइस अभी आप लोग इधर से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इधर इतना पेड़ ही है। अभी जितना भी ये खाली दिख रहा है, पहले जब आए थे शायद जनवरी का टाइम आए थे, ये पूरा पानी से पूरा कंप्लीट पानी से भरा हुआ था। और अभी जैसे ही गर्मी का दिन आ रहा है वैसे से सूख रहा है। अब फिर बरसात आएगा तो फिर भर जाएगा जितना भी। और इधर बोटिंग होता है, पूरा मज़ा आता है क्योंकि जब आए थे तो बोटिंग किए थे, वो टापू के पास गए थे जो आपको टापू वो दिख रहा है। और अगर आप मैथन आ रहे हो तो इधर बोटिंग का भी आप लोगों को सुविधा मिल जाएगा। आपको इधर दो घाट मिलेंगे जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो। इधर अलग अलग चार्ज है हर बोट का, तो कभी उधर आएंगे तो बताएंगे। नहीं, बोटिंग के लिए नहीं है भैया, थैंक यू। कभी आएंगे तो ज़रूर आएंगे, ऐसे दोस्तों के साथ चिल मनना है।